भागो 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 दूर भागो भाई, 10 फुट दूर रहो, दूर रहो, नहीं तो ये अपने ऊपर गिर जाएगा। 34 डिग्री सेल्सियस। सो गाइस कैसे हो, मैं आ गया आपके एक नए एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ। तो अभी मैं आया हूँ पानी लेने यहाँ से बाइक से, ठंडा ठंडा पानी गर्मी में, इतनी गर्मी में ठीक है क्यों, क्योंकि पानी गिर जाता बकरी पे मैं गई। तो अभी मैं जा रहा हूँ पानी लेके, उधर आप पीछे देख सकते हो कि जेसीबी चल रही है, जेसीबी की खुदाई अगर देखना है तो आप यहाँ पर आ सकते हो। चल 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 चल, ए गाड़ी स्टार्ट कर, चालू है। तो अभी यहाँ पर हम खेत में आए हैं अभी, और खेत में अभी जेसीबी को बुलाया है, और यहाँ पर जो ये कांटे हैं ना आप देख रहे हो पीछे, इस टाइप के फोल्डे इसको बोलते हैं हमारे यहाँ पर, ठीक है फोल्डा, वो उनको उड़ा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें जाली बांधनी है ठीक है। तो जाली बांधनी है तो उसके लिए उसको उड़ाना पड़ेगा बहुत सारा। आपको मैं दिखाता हूँ बैक कैमरे से, तो आपको दिखाता हूँ अच्छे से। ये वाला जो कांटे दिख रहे हो ना आपको, ये वाले अच्छे उछे, इन सबको उड़ाना है। देखो अभी इतना सारा उड़ा दिया है, अभी और चालू है, वहाँ तक उड़ाना है पीछे तक ठीक है, क्योंकि वहाँ पर अभी जाली लगी है, पूरा चारों तरफ जाली लगेगा। तो इसमें से झाड़ों को भी उड़ाएंगे और पूरा यहाँ तक उड़ाने वाले हैं। यहाँ पर तो वैसे उड़ा हुआ है तो भी कुछ कुछ उड़ाएंगे, समझ सकते हो। तो जैसे भी कि खुदाई चालू है तो या तो अभी पानी लेने आया था, वहीं जा रहा हूँ अभी। ओह गिरी, देखो गिरी गिरी गिरी, नीम गिरा नीम। पापा है, चाचा है ठीक है, और भाई भी आ गया, और लोग आ रहे हैं, और एक और चाचा आ रहे हैं, और एक और बड़ा भाई आ रहा है, तो वो भी आ ही रहे। तो चले अनुमान थोड़ी बात कंटिन्यू करता हूँ अभी मैं। अभी जस्ट ही मैं अभी जाली खोला हूँ, पहले की जाली यहाँ पर लगी हुई थी, उन जालियों को खोला, पर अभी मैं खुद अकेले एक जाली को लपेटा हूँ, समझे। मतलब कम से कम आई थिंक 40-50 किलो की तो होगी ठीक है, उसको मैं अकेले लपेटा हूँ। यहाँ से निकलना पड़ेगा आराम से, कांटे वटे घुस गए तो तकलीफ हो जाएगी। अभी इस नीम को भी, इसको भी उखाड़ के फेंकना जड़ से। सो लेट्स सी, इसमें कोई काम का नहीं है। देखो जो जो काम का है उस पर, अगर जो जो काम का नहीं है, जो इधर उधर जा रहा है, क्योंकि जाली में एकदम परफेक्शन चाहिए, एक लाइन जैसे ठीक है। तो इसके लिए कुछ कुछ जाड़ों को तोड़ना पड़ रहा है, अगर जो टेढ़े मेढ़े जा रहे हैं, क्योंकि इस खेत वाला फिर नाटक करेगा कि नहीं ये तो मेरे में था, इतना बार तुमने इतना जगह ले लिया जगह वो, तो इस वजह से इसको तोड़ रहे ठीक है। बाकी ये सब भागो 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 दूर भागो भाई, यहाँ ऊपर ऊपर गिर जाएगा भाई, भाई 10 फुट दूर रहो, दूर रहो, नहीं तो ये अपने ऊपर गिर जाएगा। क्योंकि देखो भाई इतना बड़ा है, मेरे ख्याल से अगर ये गिरेगा तो इधर तक तो आने ही वाला भाई, इधर तक तो आ ही जाएगा। मैं कम से कम 15-20 फीट दूर हो प्रदेश से, तो भी है इतना बड़ा पेड़ है, ये सब आराम से अपने ऊपर, और इसको हम उधर साइड ही गए इसके लिए। जेसीबी की खुदाई चालू है गाइस, पर ये जेसीबी नहीं, ये बुल है, बुल इस पे लिखा है, देखो बुल, जेसीबी क्यों जेसीबी लिखा है, ये बुल है। तो गाइस दादा भी आ चुका है अभी। हाँ क्या देख लो, ऊँचा आ ले रही हो तो गए बम्बू बम्बू लेके। गाइस कितना बजे अभी देखते चलो। तो गाइस अभी राइट नाउ टाइम हो रहा है 2:49 ऑलमोस्ट, मतलब 3 बजने ही वाले हैं, और मतलब इतनी कड़क धूप है ना, बहुत पसीना, मतलब बहुत गर्मी हो रही है। तो ठीक है, और आई थिंक ना 35 डिग्री सेल्सियस अभी मेरे हिसाब से, मैं आपको दिखाता हूँ, कल मैंने देखा था 35 था, आई थिंक अभी भी वही चल रहा है। भाई राजस्थान में बहुत गर्मी, बहुत ज़्यादा हो गया, आई एम राइट। तो अभी 34 डिग्री सेल्सियस आपको मैं दिखा देता हूँ अच्छे से, एकदम क्लियर ठीक है, डिटेल में दिखाता हूँ आपको। यू कैन सी जड़ोल लिखा है यहाँ पर, एक मिनट ब्राइटनेस कर देता हूँ, तो दिखेगा अच्छे से। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देख सकते हो
यहाँ पर लिखा है जड़ोल और 34 डिग्री सेल्सियस है। 34 डिग्री सेल्सियस भाई, 34 सेल्सियस कम नहीं है, देखो बोलने भी नहीं हो रहा, इतना हॉट है कि ठीक मतलब बहुत गर्मी। दो दिन तो अच्छा मतलब मौसम चल रहा था, धूप थोड़ा बहुत धूप आ रहा था, हल्का हल्का दिख रहा था और बारिश हो रही थी, तो अच्छा ठंडा मौसम था। बट अभी तो अभी मौसम नहीं हो रहा वैसा, क्लाउडी नहीं हो रहा है, बट अभी दिख नहीं रहा। देखो अभी क्लाउड्स इतने सारे यहाँ साइड है, अब देखते कब आते हैं यहाँ पर, जल्द से जल्द आएगा तो कम धूप लगी, गर्मी भी कम होगी। वैसे तो ऊपर क्लाउडी तो है बट इतना नहीं है। या मैं क्या लेने आया था, हाँ मैं जेवा लेने आया था, भूल गया था, खुद पानी भी मतलब एक बोतल भर के लाया था ठंडा, वो भी गर्म हो गया, वो भी ख़त्म होने आया, वापस जाके लेके आना पड़ेगा घर पे। वैसे घर ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा ही ये पास में, ये पैदल चल के जाओगे ना तो भी 5 मिनट के अंदर ही पहुँच जाओगे। और यहाँ से स्कूल है, यहाँ पर एक स्कूल है गवर्नमेंट, उसके पीछे हमारा खेत है। तो या जेवा, हाँ अभी आया ना छाव देखो वापिस धूप आएगा शायद, नहीं आएगा क्योंकि अगर देखो यहाँ पर, अब देख रहा हूँ कि ऊपर जो है धूप जो है क्लाउडी में जा चुका, तो फिर यहाँ से कनेक्ट होके ये सब क्लाउड बने, छाव ही छाव है और मस्त पैकी पैक हवा चल रहा है। ऐसा मौसम होना तो गांव में काम करने में मज़ा है, थोड़ा दिन रख लो मुझे, मैं कर लूँगा भाई। ऐसा मौसम होना चाहिए, जितनी गर्मी में 3 बजे के आसपास 35 डिग्री सेल्सियस में काम करो भाई। और तो 2-3 दिन पहले ही कल ही बारिश हुई, हल्की हल्की ड्रिजलिंग हुई थी, कल बारिश हुई तो फिर आज कड़क धूप है, तो समझ में बहुत गर्मी पड़ने वाली है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसकी वजह से ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, ऐसा होता है। तो अभी ठीक है, हवा चल गई, अभी तो धूप गई है, देखते हैं वापस आती कि नहीं आती। आई होप नहीं आए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो या अब हाय हाय क्या हवा है, एकदम मतलब मस्त। यहाँ पर सब लोग खड़े बैठे, यहाँ पर चल रही जिस 5 मिनट्स लेटर बस अभी मैं जा रहा हूँ घर पे पानी ले लेंगे, पानी ख़त्म हो गया इसके लिए घर पर पानी ले जा रहा हूँ बाइक से। मैंने बोला कि हाँ 5 मिनट दूर ज़्यादा नहीं है, मैं थक गए अभी धूप में, कौन चल के जाएगा, इसके लिए बाइक लेके जा रहा हूँ। और ये लोग भी आ गए साथ में साइकिल ले लेके, तो चलते हैं, चले Five hours later. तो गाइस कैसे हो, फाइनली मतलब मैं आ चुका हूँ घर पर। अब बहुत से लोग बोलेंगे ये व्लॉग यहाँ से क्यों चालू हो रहा है अभी इतना लेट और रात को, क्योंकि अभी राइट ना देख सकते हो टाइम, मैं बता देता हूँ टाइम हो रहा है 10:00 दिखता नहीं इसमें, एक्सपोजर बहुत हुए, 10:03 हो रहे हैं। मतलब लास्ट शूट जो मैंने लास्ट शॉट लिया था वो कम से कम मैंने 3 बजे के आसपास लिया था, ठीक है। अब 3 बजे के आसपास मैंने जब बाइक निकाला वहाँ से पानी लेने गया घर पर, उसके बाद मैंने व्लॉग शूट ही नहीं कर पाया, क्योंकि मैं वो बताता हूँ प्रॉब्लम क्या हो रही थी, ठीक है। प्रॉब्लम ये हो रही थी कि 3 बजे के बाद मैं यहाँ पर घर पे निकला, वहाँ से निकला ही उसके बाद मैं आधा घंटा घर पे रुका, बिकॉज पानी की बोतल लेनी थी, ठंडी नहीं थी, ठंडा पानी चाहिए था, तो उसको ठंडा करना फ्रिज में रखा, फिर फोन आया वापस की चाय बना, तो चाय बना के लेके गया, वो शूट करना चाहिए था मुझे बट मैंने शूट नहीं कर पाया, क्योंकि फिर मेरा भाई घर पर आ गया था, क्योंकि उसके फ़ोन में व्लॉग शूट हो रहा है, इसकी वजह से अकेले ब्लॉग इसमें शूट ही नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे फ़ोन में जो है स्पेस तो फुल है, तो इस वजह से वो घर पे आ गया था, तो उसके बाद मैंने शूट ही नहीं कर पाया। उसके बाद अभी आया और लग गई, फिर शाम को कुछ 7 बजे के आसपास ना अचानक से बारिश गिरने लगी। इतने पूरे दिन में मौसम हो रहा था, छाव थोड़ी आई थी, फिर धूप आया था, तगड़ी धूप थी, दिन में पूरी बारिश नहीं हुई, अभी जाने के टाइम घर पर निकलने ही वाले थे जस्ट बारिश हुई, और क्या गंदा मतलब एकदम अचानक से ड्रिल पानी चालू होकर हम लोग बिक गए थे थोड़े बहुत, मतलब जो भागे तीनों बाइक लेकर घूम घूम बाइक, वो मतलब शूट करने वैसा था ताकि और क्या धूप में हम लोग उधर ही देना, तो आग दुखने लग गई थी और सर दुखने लग गया था। फिर उसके बाद आगे घर पे खाना खाए बैठे, अब ये व्लॉग की ये लास्ट क्लिप मैं शूट कर रहा हूँ, तो आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर ज़रूर कर देना, एंड चलो बाय। अभी मैं जस्ट ऊपर आके शूट कर रहा हूँ, सोने वाले सो ही गए ऑलमोस्ट, पापा मम्मी सो गए मेरे से तो पीछे, वैसे हम यहाँ पर सोते हैं खटिया पे, तो यहाँ बाहर नहीं सोते, बाहर हम लोग सोते थे पहले,
अभी तो आपको पता है कि मौसम जैसा चल रहा है, समर के टाइम बारिश हो रही, तो इसलिए हम लोग बाहर नहीं सोते। जिस दिन हम लोग आए थे उसी दिन हम लोग इधर सोए थे, तो अचानक से रात को, अच्छा आधी रात को बारिश होने लग गई थी, और फिर हम लोग अंदर भागना पड़ा अचानक से, सब खटिया भी कर ले गए, बिस्तर भी गिले हो गए थे, तो फिर बाहर तब तक नहीं सोने का था, तब क्लियर मौसम ना दिखे। देखो पीछे अभी बादल है यार, चाँद निकल रहा है, फूल चाँद दिख रहा है, वहाँ पर देखो बादल निकल रहा है, आपको नहीं दिख रहा होगा, बाकी तो या चलो भाई मिलते हैं।